हाय, दिस इज़ गणेश एंड यू आर वॉचिंग स्टेट टॉक्स। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आपकी काफ़ी कॉल्स आती थी और रेंट के लिए, बट मैं रेंट पे ब्लॉगिंग नहीं करता था। मैं सेल्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रेडी टू मूव, इस पे ब्लॉगिंग करता था। अभी आपके लिए दो सरप्राइजिंग चीज़ें बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब जो रेंट पे भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उसके लिए भी कोशिश करूँगा। जो यहाँ पे रेंट पे वर्क करते हैं, उनसे बात करके आपको रेंट के लिए प्रॉपर्टीज़ दिखाने के लिए। दूसरा, जो अपनी प्रॉपर्टी रीसेल करना चाहते हैं, आपकी रेडी टू मूव रीसेल की कॉल्स काफ़ी आती हैं। जो रेडी टू मूव रीसेल प्रॉपर्टी होंगी, वृंदावन योजना, अवध विहार, अंसल एंड फैजाबाद रोड, इन लोकेशन पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, हम वेलकम करते हैं संदीप जी का। हेलो संदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेट टॉक्स में। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम संदीप जी जानना चाहेंगे, आप प्लीज़ हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। प्रोजेक्ट कहाँ पर आता है, लोकेशन क्या है? गणेश जी, जैसे हम देख रहे हैं हमारे बैक साइड में गोवर्धन अपार्टमेंट है, ये वृंदावन योजना सेक्टर 20 में है। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं? यहाँ आपका 2 BHK, 2 BHK प्लस स्टोर और प्लस 3 BHK, 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। और सोसाइटी जो है वेल मेंटेन है। सिक्योरिटी पर्पज़ पे देखेंगे तो इसके 2 गेट हैं, दोनों पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, पूरी गेट सोसाइटी है और नीट एंड क्लीन मिलेगी आपको। जी हाँ, की जो जेनेट्री है वो भी काफ़ी अच्छी है। आप मुझे ये बताइए, लोकेशन के आसपास कैसा डेवलपमेंट है, यहाँ पे रोडें कैसी हैं? लोकेशन के बाद में करें तो जैसे वृंदावन योजना सभी जानते हैं, आवास विकास से अप्रूव्ड है। यहाँ की डिवाइडर रोड ही काफ़ी अच्छी हैं, जो यहाँ का लेआउट है। और प्लस आपके गोवर्धन अपार्टमेंट के जस्ट नियरेस्ट में ही आपका कमर्शियल भी है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो मात्र 2 या 250 किलोमीटर में आप लाइब्रेरी रोड पे आ जाती हैं, तो जो बहुत बड़ी मार्केट है अपने में। तो आपका रेंट का वर्क कहाँ कहाँ पर है? रेंट के लिए हम जो है अभी आपका वृंदावन योजना हो गया, अवध विहार, अंसल और आपका एक यहीं से थोड़ा सा फैजाबाद रोड पे भी हमारे पास। अच्छा, यानी एक पास 3-4 मल्टीपल ऑप्शंस हैं रेंट के लिए। तो यानी हमारे कोई व्यूवर्स अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे अगर चढ़ाना चाहते हैं तो क्या आप उसमें भी हेल्प करते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देना भी चाहते हैं तो उसमें भी हमारे होते हैं, या जिसको रेंट पे चाहिए उससे भी हम कॉन्टेक्ट करते हैं। अच्छा, दोनों ही हमारे जो व्यूवर्स हैं जिनको रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी चढ़ाना है वो भी आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जिनको रेंट पे लेना है वो भी कर सकते हैं। चलिए अच्छा है, तो आज हमें कुछ दिखा सकते हैं क्या आप यहाँ पर? हाँ, एक मैं आपको दिखाता हूँ, 2 BHK प्लस स्टोर 1100 स्क्वायर फीट का है, तो एक बार आप सैंपल देखिए। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपको आगे चल के सैंपल दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर कैसे क्या रेंट चल रहा है। हम देखने वाले हैं 1105 स्क्वायर फीट में 2 BHK प्लस स्टोर गोवर्धन अपार्टमेंट वृंदावन योजना में। जो हमारे व्यूवर सही टमूप अपार्टमेंट देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इस तरह से आपको लेआउट देखने को मिल जाता है, एंट्री करते ही काफ़ी बड़ा खूबसूरत ड्राइंग डाइनिंग देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। क्रॉस वेंटिलेशन है वहाँ पे, विंडो वहाँ पे, आपको बालकनी देखने को मिल जाएगी, UPVC स्लाइडिंग डोर पर है ये, और बालकनी का स्पेस भी अच्छा है, वाइडर आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि अभी लॉक है ये, और ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा ड्राइंग है दोस्तों ये। यहाँ पे ये किचन है, किचन का साइज भी अच्छा है, वेंटिलेशन यहाँ पे विंडो है, और यहाँ पे डाइनिंग का स्पेस आ जाएगा। तो 11 से 5 सुपर एरिया है, काफ़ी बड़ा फ्लैट है, बड़ा फ्लैट देख रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा स्पेस आपके एक्स्ट्रा सामान के लिए फ्लैट में बहुत ही ज़रूरी होता है ये, इसमें कि आप अपने एक्स्ट्रा नीड्स की चीज़ें रख सकें, स्टोर कर सकें, या फिर इसे पूजा घर बना सकें, आप जैसे भी चाहें इसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस स्पेस को। फिर एक बेडरूम आपको इधर मिलेगा दोस्तों, आइए देखते हैं। बेडरूम का साइज जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, दोनों चीज़ें मिलेंगी, विंडो भी है, बालकनी भी है, यहाँ पे विंडो है, इधर बालकनी है, यहाँ पे आपका अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज भी काफी अच्छा है, दोस्तों इस तरह के वीडियोस को आप देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वृंदावन पे जो रीसेल प्रॉपर्टीज है उस पर ये वीडियो लाने वाला हूँ काफी तेजी से, ताकि आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की जो नीड्स है फुलफिल हो सके। और एक बालकनी रहेगी इस बेडरूम से, वहाँ पे BCC ब्लू माउंटेन है, कहलो एम्पोरियम का आगे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो ये ऑलरेडी डिलीवर्ड है, फैमिली रह रही, सोसाइटी बन चुकी है,
तो पूरी बसावट है, आप डे वन से आके रह सकते हैं। ये सेकंड बेडरूम, सेकंड बेडरूम का आपको कॉर्नर से दिखाता हूँ स्पेस। इसमें भी आपको विंडो और बालकनी देखने को मिलेगी, अटैच वॉशिंग है आप लोग, इसका साइज इससे ज़्यादा बड़ा है दोस्तों। ये रहा एक अनदर बालकनी, तो ये कॉर्नर का फ्लैट है, अच्छा व्यू आ रहा है। तो लेआउट में आपको यहाँ पे एक बेडरूम, दूसरा बेडरूम यहाँ पे, बालकनी दोनों में, अटैच वॉशरूम है। यहाँ पे आपका एक किचन, इधर स्टोर, यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग देखने को मिल जाता है। तो संदीप जी, मैंने व्यूवर्स को यहाँ पे हमने दिखाया अभी 2 BHK का एक अवेलेबल रेंट के लिए, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा अभी यहाँ पे क्या रेंट चल रहा है 2 BHK का। जैसे कि हमने अभी गोवर्धन में देखा है, तो यहाँ 2 BHK का आपका 8,000 से 10,000 के बीच में आता है रेंट। अब अच्छा, वो एक्सपर्स करता है कि साइज क्या है। अच्छा, साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे है, तो इससे छोटा साइज क्या होगा? सबसे छोटा साइज देखेंगे तो 800 स्क्वायर फीट है, और उसके बाद आपका 1100 है। ठीक है, तो मैं नंबर आपको दे दूंगा संदीप जी का स्क्रीन में। आपको कोई क्वेरी है, आप रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं, रेंट पे लेना चाहते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं। कोई रीसेल भी आप चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।